नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर या एसीटीआई मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको बताया हूं ऑनलाइन परचेजिंग से रिलेटेड। मेरे पास कुछ लोगों को कॉल्स आ रहे थे, मेरे जानने वाले, मेरे मित्र और मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन और सामान खरीदते हैं तो कई बार उनको एक डुप्लीकेट सामान या जो चाहते हैं या नहीं या फिर डल क्वालिटी का सामान आ जाता है। तो सबसे पहले आप परचेज करते समय कैसे ध्यान रखें कि कौन सी साइट्स पे के कौन से बायर, कौन सा सेलर जो है सही है, और कैसे अंदाजा लगाएं कि सही है, और कैसे खरीदने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए, मैं सबसे फेमस साइट सेलिंग साइट जो है हमारा ऑनलाइन सेलिंग साइट अमेजोन पे बात करते हैं। सबसे पहले परचेज करते समय देख लीजिएगा कि amazon.in होना चाहिए, राइट, amazon.in। अगर amazon.com होगा तो वो US की साइट है, वो आपको डिलीवरी नहीं देगी। उसके बाद सर्च करने से पहले आप देख लीजिएगा आपका एड्रेस, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया 844120 अप्लाई कर देता हूं, तो इससे क्या होगा कि आप वही सेलर का लिस्ट आएगा जो मुजफ्फरपुर में इनकी सर्विस है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, वरना हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम लोग पसंद कर लेते हैं, सेल कर बाय करने जाके जाते हैं तो उसमें देता है कि दिस सर्विस डिलीवरी सर्विस नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो कि अपने सामान को सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटीज सेलर्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर सिटीज में ही रहते हैं, तो ये चीज़ आपको पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने जो है बहुत सारे ऐसे शो होंगे, जैसे कि आपको शो हो रहा है मोबाइल, तो ये जो है ट्रस्टेड है, जिसको आपका अमेजोन प्रमोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने नोकिया 6.1 मोबाइल का मैं सर्च करता हूँ, मोबाइल फोन हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप इसको ऐसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट वाइज फीचर्स है, मतलब कि जिस जो आपके सर्च की से जितना मिलता जुलता है उसको सर्च दे रहा है, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है वो आपको यहाँ पे दे रहा है, जिसमें आप देखिए यहाँ पे आपको स्पॉन्सर दिख रहा है। तो स्पॉन्सर मतलब कि ये अमेजोन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इसको प्रचार कर रहा है, तभी सबसे टॉप पे आया, क्योंकि हमने सर्च पर किया था नोकिया और ये दिखा रहा है बायो, वीवो का फोन दिखा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स मतलब कि इसने किया हुआ है, इसको अमेजोन ने इसको प्रमोट किया है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद जैसे कि मार के देखिए नोकिया है, नोकिया हमने देखा, देखने के बाद इसमें आपको थ्री न्यू ऑफर्स, मतलब कि 13,500 तो है, लेकिन तीन और सेलर्स है जो कि ऑफर दे रहे हैं, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप जो है गेट इट ट्यूजडे फरवरी 11 तक आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले हम इसकी रेटिंग देख लीजिए, इसका रेटिंग जो है आपका 4 रेटिंग है, 3.8 है आउट ऑफ 5। अब देख, अब बहुत सारे बोलते हैं कि 5 रेटिंग में देख तो लो कितने लोगों ने रेटिंग किया है, तो इसको 13,568 कस्टमर ने रेटिंग किया है कि हाँ बहुत सारे जेन्युइन कस्टमर ने इसको रेटिंग किया है। अब रेटिंग के बाद बारे में आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि फीचर्स दूसरा इसमें देखिए, इसमें कहीं भी अमेजोन प्राइम नहीं लिखा हुआ है। जी हाँ, अमेजोन प्राइम कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अमेजोन की प्राइम अमेजोन का जो सिर्फ माफ कीजिएगा प्राइम ने फुलफिल अमेजोन फिलफिल या फुलफिल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अमेजोन का जो सेलर है ये अमेजोन का फुलफिल फ्रेंचाइजी नहीं है, मतलब कि ये मोर ट्रस्टेड नहीं है। इसमें हो सकता है कि आपको दिखाए कुछ और देख भी ले, और यहाँ पे देखिए 100% परचेज प्रोटेक्शंस लगा हुआ है यहाँ पे आपका, मतलब कि आप रिफंड के लिए चिंता ना करें, आपका प्रोडक्ट जैसे आप यहाँ से डिस्पैच रिटर्न करेंगे और रिटर्न का स्लिप आपको इस पर अपलोड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ है इसमें प्राइम नहीं, मतलब कि इस पर डिलीवरी चार्जेज फ्री डिलीवरी कह रखिए, अगर प्राइम होता है तो डिलीवरी चार्जेज आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है।
दूसरी चीज अब इसमें प्राइम हमने फुलफिल बाई अमेजोन क्यों बताया, अब मान लीजिए इसे स्पॉन्सर से इसी को मैं क्लिक करता हूं, यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये फुलफिल्ड बाई अमेजोन आपको दिख रहा है, मतलब कि ये अगर इस ऐसे बायर से खरीद रहे हैं जो बिम्बो बायर है वो अमेजोन की तरफ से वेरीफाई है, मतलब कि इसमें बहुत अच्छा माने कि आपको इसमें धोखा होने के चांसेस बहुत कम मिलेंगे, जो दिखाया गया है वही लेंगे। तो परचेज करते समय ये प्रायोरिटी रखें आप कि आपके किसी भी साइट से परचेज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो ये फुलफिल्ड आपके इस पर होना चाहिए अमेजोन के साइट्स पे, वरना दिक्कत हो सकती है। मैंने भी एक बार धोखा खाया था, मैंने पेन ड्राइव परचेज किया था 2 TB की, लेकिन वो 1 GB से डाउनलोड नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे पास 100% बायर प्रोटेक्शन था, तो मैंने पेन ड्राइव को रिटर्न किया और रिटर्न करने की जो कुरियर स्लिप थी वो हमने मेल कर दी और मुझे 24 घंटे में रिफंड आ गया मेरा। लेकिन वो सर नौमत क्यों आया, पैसा हम क्यों फंसा है, तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे फुलफिल हुआ। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी, अब परचेज आपने अपने फीचर्स सारे फीचर्स आप यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको दिखेगा। सी मोर प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट की पूरी टेक्निकल डिटेल्स आपको देख मिल जाएगी, ये टेक्निकल डिटेल्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऊपर जो है सिर्फ हाईलाइट दिया जाता है, ऊपर हाईलाइट दिया जाता है यहाँ ऊपर में, देखिए डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, तो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी कि आखिर इसमें क्या क्या है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ है कंपेयर, कि अदर प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर किया गया है कि कितने का है, एक कितने का है, एक कितने का है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की कंपेयर है, तो इससे आपको मदद मिलेगी दो प्रोडक्ट के बीच में कंपेयर करने के, ताकि आप और अच्छी चीज़ खरीद सकें। अब इसमें हो गई, अब आती है सबसे बड़ी चीज़, वो आती है आपकी, ये तो आपका ये आ गया सेमेस्टर ऑफर, नो क्वेश्चन मारी बैंक ऑफर वगैरह है। अब इसमें बात आती है क्वेश्चंस कि आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएगी, या फिर पूछ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि 6 GB रैम मोबाइल, इसके आपका आंसर दिख जाएगा 2 answers है। यस दिख रहा है, इट इज मोबाइल सपोर्ट 128 GB, यस यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आंसर्स हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको भी इससे रिलेटेड कोई जवाब है, आप खरीदने की जल्दी नहीं है, जवाब है आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ लिखिए, आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके बाद आता है रिव्यू, ये देखिए रिव्यू इसका, इसमें देखिए 40% कस्टमर से संतुष्ट है पूरी तरह, 4 स्टार देने वाले 25% है, 3 स्टार देने वाले 10% है, 2 स्टार देने वाले 4% है और 15% निगेटिव कस्टमर है जो कि इससे संतुष्ट नहीं हुए। और यहाँ सी मोड पे क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएगा, टच स्क्रीन से इतने लोग संतुष्ट है, फिंगरप्रिंट से इतने लोग संतुष्ट हैं, तो ये आपके आपका ये बेटर वाइज है, हर में नहीं होता लेकिन हाँ इसमें है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप रिव्यू आपको दिख रहा है, जो टॉप रिव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ टॉप रिव्यू जिन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें एक ध्यान रखिएगा लिखते समय आप देखिए, ये भी देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि सेलर ने ही अलग अलग अकाउंट से अपना रिव्यू दे दिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रोहित, यहाँ पे आपका रोहित मैन है, इस पर क्लिक करिएगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा रोहित मैन, इस पर आप भी देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे दे रखा है, तो जनमन देखिएगा इसमें बहुत सारे लोगों को देखा है कि कस्टमर है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट क्लिक कर रहा है, एक क्लिक नहीं कर रहा, तो रिव्यू के लिए भी ये देखना होगा कि आजकल लोग रिव्यू भी अपने प्रोडक्ट के लिए रिव्यू के लिए भाई फ्रीलांसर हायर कर लेते हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू दे देते हैं। तो इसमें नेगेटिव कस्टमर के रिव्यू देख सकते हैं, आपको अगर टाइम है तो यहाँ पे 7800 से ऊपर रिव्यू है, आप वो रिव्यू के पूरे रिव्यू को देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि ढूंढ लीजिए कि देख लीजिए 100% तो सर्टिफाइड कस्टमर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको,
अगर मिलता है तीन चार पांच कस्टमर ने 100% दिया है, इसका मतलब है कि वो फेक है, क्योंकि 10 में से एक कस्टमर तो निगेटिव होता ही होता है, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो आप इसको देखते भी देखिएगा, उसके बाद अपने आप अपने सिस्टम को परचेज कीजिए। अब अगर आप EMI पे कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप COD को ही परचेज करें, COD को ही ले, और आपको डिलीवरी के समय भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है UPI से, चाहे स्कैनिंग सिस्टम स्कैनिंग होता है उससे पे कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको बीच में भी कभी COD कर दिया लेकिन कभी भी उसको आप पे कर सकते हैं अमेजन प्राइम से। लेकिन आप EMI सिस्टम करना चाहते हैं या कोई कैशबैक वगैरह सिस्टम है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके आप पहले पे करने से पहले बचें, पे करें एट द डिलीवरी, उससे आपका पैसा फंसेगा नहीं अकाउंट में। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये 10 दिन के लिए किसी को ऐसे ही उधार दे दिया और आप पहले 10,000 को दे दे रहे हो तो इसलिए आप पहले पेमेंट करने से बचें। अब मेरी ये कमेंट्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी इन्फिनिटी वीडियो या एडवांस एक्सेल की वीडियो के लिए मेरा चैनल IPT इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक और चैनल मेरा है वो है SCTI मुजफ्फरपुर, MUZ मुजफ्फरपुर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।